हे गाइस एंड व्हाट्स अप, तो क्या हाल चाल है तुम सबके। बाय द वे, मैंने कुछ दिन पहले ये शेयर करा था अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने तुम्हें कहा था कि आओ मुझसे अपनी बातें शेयर करो और उस पर हम रिएक्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आई हैड टू गाइज इन अ सिंगल डे, वन बाय वन। ओके, मतलब सही है भाई, अगर तुम्हें मजे आ रहे तो बढ़िया है, मतलब सही है। एक सीक्रेट है जो मैं कभी नहीं बता पाती, आई लव माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स, पर मैं शो नहीं कर पाती। भाई करो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ बताओ, अब भी बताओ। मैं तो कह रहा हूँ मतलब जितना हो सके उतना बताओ भाई, ये चीज़ें दिल में दबाने वाली नहीं होती, जाओ अभी बताओ। थ्रू माई टीचर्स फोन आउट ऑफ विंडो एंड ब्लेम द किड हु यूज्ड टू बुली मी, आई वॉज इन फोर्थ। सही है, मतलब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना है, ठीक है, कि मतलब कोई बंदा तुम्हें बुली कर रहा था, सिर्फ उसे ब्लेम करने के लिए तुमने टीचर का फ़ोन फेंक दिया हो तो भाई क्यों, मतलब सीधा जाके बता देते। और अगर टीचर से भी तुम्हें परेशानी थी और फिर तुमने बुली को भी मतलब संभाल लिया तो सही है, एक तीर से दो निशाने। वैसे भी नियति में जो लिखा है वो तो हो गया ही रहेगा ना, तो टीचर का फ़ोन बेचारा था, उसकी नियत में टूटना तो टूट गया, मतलब सही है। चीटेड इन एग्जाम्स फ्रॉम फोन इन 2019 व्हेन आई वाज इन 7th। तो चीटिंग वीटिंग चलती रहेगी, बट पहले मुझे ये बताओ 7वीं क्लास में तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आ रहा है, और फ़ोन आ गया तो जिगरा कैसे आ रहा है उस स्कूल में ले जाने का। मतलब भाई तुम बड़े लेजेंड आदमी हो यार, सीरियसली। I caught my chemistry teacher making out with the librarian. I got +2 marks in the test. Awkward as fuck. भाई बस +2 मिले। सबसे पहले तो यार मतलब सोचो, मतलब टीचर को पकड़ा है, उल्टा टीचर तुम्हें पकड़ते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स टीचर को पकड़ रहे हैं। सही है, लेकिन सिर्फ +2 मिले भाई, तुम्हें तो पूरा शीट उनसे भरवानी चाहिए, तुम्हें बस रोल नंबर लिख देना चाहिए, बोलो ये लो, आउट ऑफ आने चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, +2 सिर्फ। शे मैन, अगर तुम अभी भी उस स्कूल में पढ़ रही हो तो उस टीचर को जाके बोलो कि मतलब क्या है ये +2 दे रहे हो, फुल मार्क्स दो मेरे को। सही है भाई, सही है। आई हैव सोशल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस, ठीक है भाई, ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है राइट नाउ। आई डोंट नो, पहले तो मुझे समझ नहीं आता भाई, डिप्रेशन होता है जिसमें तुम मतलब एक अलग जोन में चले जाते हो, मतलब जोन अलग भाई कैसे समझाऊँ मैं, मतलब भाई मैं ये नहीं कहूँगा मेरा भी डिप्रेशन है, लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब डिप्रेशन में क्या होता है, लोग सैड हो जाते हैं कि मैं, अगर मैं अपना बताऊँ, मेरा इस टाइम कुछ करने का मन नहीं कर रहा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे, मतलब छोटी छोटी बातों में मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ राइट नाउ। ओके सो, बट आई वॉन्ट से दिस इज़ अ डिप्रेशन और एंग्जाइटी, आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो, जल्दी रिकवर होना, ठीक है। My friend ate cockroach when she was like 5 years and I was with her and I was crying hard. भाई cockroach, मुझे ना सबसे ज़्यादा अगर मतलब वो होती है ना, चिड़ चिड़ ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट cockroach को देख के ना भाई। लेकिन एक चीज़ है, मेरे और cockroach में ना बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच, मतलब बहुत बिना ये डिस्कस करे ये डिसाइड हो गया हम दोनों के बीच कि एक जगह में एक ही बंदा रहेगा। अगर उस रूम में कॉकरोच है तो मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, और अगर यहाँ मैं हूँ तो कॉकरोच यहाँ आएगा ही नहीं। बट भाई कुछ कॉकरोच होते हैं जो बड़े बेकार होते हैं यार, वो उड़ने वाले होते हैं ना भाई, मतलब भाई उनके और मेरे बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो घुस जाते हैं वो कहीं पे भी, और भाई उन्हें देख के वो कैसे बताऊँ मैं, मेरे को कैसा लगता है कॉकरोच को देख कर। मैं साबुन खाती हूँ, साबुन यार तुम्हारा सही है, तो फिर मुँह के अंदर सलाइवा की जगह तो झाग होता होगा तुम्हारे। शिट लेम, बहुत लेम था भाई। अच्छा एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है, तो अरे तुम्हें कोई परेशान करता होगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, पानी लेना, पेपर स्प्रे का पूरा काम करेगा। फक भाई ये भी लेम था, शिट भाई वीडियो जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। माय क्लास टीचर वंस ट्राइड टू किस मी बट आई हिट हिम विद द कंपास एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड आई रैन अवे। बहुत सही गया, मतलब बहुत सही गया। मैं तो कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को भी जाके बताओ, प्रिंसिपल को भी जाके बताओ, ये सारी चीज़ें तुम में से किसी के साथ भी होती है तो भाई जाके बताओ, ये सीक्रेट्स नहीं रखने, ये सारी चीज़ें बतानी होती है, ठीक है। सो जाओ और ये बताओ चीज़ें, ठीक है। माई डीपेस्ट सीक्रेट इज़ आई लव अक्षय शर्मास वीडियो, बस यही तो सुनना था भाई, ख़त्म, वीडियो ओवर भाई, बस ख़त्म, बस थैंक यू सो मच, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आई एम प्लानिंग टू किल यू। ओके, मतलब आर यू अ साइकोपैथ और व्हाट, व्हाई वुड यू किल मी, अच्छा नहीं लग रहा क्या, मैं प्लानिंग टू किल यू। आई मेड आउट विद वन ऑफ द भैयाज इन माय सोसाइटी। सही है, मतलब क्यों कैसे किस लिए मुझे कुछ नहीं जानना, बट एक चीज मुझे जाननी है, डू यू स्टिल कॉल हिम भैया और ओह शिट,
here we go again. You still call him bhaiya or you call him saiya matlab? Fuck bhai, nahi nahi. Cut. Ye nahi dalna. I had a moment with a girl and I'm also a girl, but I'm straight, but I also enjoyed that. Bhai, kya vilom shabd khel rahe ho mere saath? Matlab acha theek hai, like okay. ठीक है, अब मैं इसमें क्या रिएक्ट कर रहा हूँ? मतलब सही है, तुम्हें तसल्ली मिल गई ना, मन को शांति मिल गई, दिल खुश हो गया, प्राप्ति हो गई तुम्हें खुशियों की, तो सही है. बट ऐसी चीज़ें नहीं बतानी होती, हर चीज़ नहीं बतानी होती. आई लव यू बट आई वॉन्ट टू किल यू. भाई क्यों मारना है तुम लोगों को मुझे? क्या कुछ बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और ये क्या मतलब है, आई लव यू बट आई वॉन्ट टू किल यू? नहीं, मतलब एक चीज़ बोलो, प्यार करते हो या तो नफरत करते हो? मतलब दोनों कैसे तुम कर सकते हो एक ही साथ? आई वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट रीजन बट आई विल इग्नोर यू. आई हुक्ड अप विद माई कॉलेज प्रोफेसर. भाई नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है यार. मतलब टीचर भाई, टीचर के साथ ही कैसे सबका? बहुत सारी चीज़ें होती है ना लाइफ में, मतलब फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, और भी होते हैं, जैसे वो सोसाइटी वाला भाई होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है यार. बट टीचर ही क्यों? हर सारे मैसेजेस मुझे टीचर से रिलेटेड क्यों आ रहे हैं आज? सही है, मतलब ठीक है, ओके. सो आई हुक्ड अप विद माय कॉलेज प्रोफेसर. ऑब्वियसली ही वाज क्वाइट चार्मिंग एंड यंग. देखो, अगर तुम्हें उससे प्यार था फिर तो ठीक है, बट अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था भाई, फिर तुम जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से बाकी लोगों को मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका सारे ध्यान तो तुम पर ही होता है. तुम्हें ही मार्क्स देंगे, तुम कुछ करके नहीं आओगी तब भी, है ना. I am 14 and I am still virgin. भाई 14 साल के हो तुम, जाके चिड़िया उड़ कौवा उड़ खेलो, कहाँ वर्जिनिटी उड़ा रहे हो यार? मतलब सीरियसली भाई, आजकल के बच्चे. और ये सीक्रेट है कि तुम 14 साल के हो, तुम वर्जिन. टीचर ने मेरा फ़ोन ले लिया था तो मैंने उनका फ़ोन फेंक दिया गुस्से में. फिर से, और ये दूसरा बंदा भाई, टीचरों के फ़ोन, और एक तो टीचर भाई, और टीचर के फ़ोन से क्या दुश्मनी है तुम लोगों को? अच्छा, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? फ़ोन से मुझे याद आया भाई, हम जब स्कूल में होते थे, मे बी 10th में था या 11th में था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद. तो एक ना हमारी इंग्लिश की मैम आई थी, तो इंग्लिश की मैम ना बड़ी एटीट्यूड वाली थी भाई. वो पता है कैसे करती थी, किसी को भी बुलाना हो तो तुम कैसे बुलाओगे किसी को, कि एक्सक्यूज़ मी, हेलो, या नाम वाम लोगे? वो पता है कैसे बुलाती थी? मतलब ऐसे नहीं है एक दो बार, हर बार. मतलब भाई, हम कम से कम एक महीना पढ़े, और एक महीने में हर दिन वो ऐसे ही. तो उन मैम के पास ना एक आईफोन था, ठीक है, उस टाइम में आईफोन था. तो भाई चमकाते थे, अब पता नहीं भाई शो ऑफ करते थे कि नहीं. मेरे को तो ऐसा लगता है कोई बंदा नॉर्मल आईफोन लेके भी घूम रहा हो ना, मुझे तो लगता है शो ऑफ ही कर रहा है पक्का. तो उस पर आईफोन था, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ भाई, आईफोन गायब क्लास में से, भरी क्लास में से आईफोन गायब. भाई मैम परेशान, मैम ढूंढ रही है आईफोन की, कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा. मैम परेशान थी, हम सब खुश थे. हमारी क्लास नहीं थी उस टाइम, मेरे ख्याल से हमारे जूनियर्स थे या तो कोई दूसरा सेक्शन था. तो उधर से आईफोन गायब हुआ था, उन सब के शायद बैग भी चेक हुए, जो भी हुआ भाई, वो आईफोन नहीं मिला. मैम भाई परेशान, हम भाई खुश, हम एक दूसरे, तूने चुराया नहीं, नहीं भाई, मतलब हम ढूंढ रहे किसने लिया, लेकिन मैम का आईफोन गायब, मैम परेशान. तो उस दिन के बाद वो आईफोन नहीं दिखा, फिर कुछ दिन बाद वो मैम भी नहीं दिखी. मतलब ऑब्वियसली भाई, मतलब स्कूल में नहीं दिखी, ऐसे दिखती रहती है बट इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? और ये जितने भी मुझे स्टोरीज अभी जितने भी लोगों ने शेयर करी, उससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है भाई, नोकिया 3510 खरीदो और वो लेके जाया करो स्कूल में, क्योंकि अगर तुमने आईफोन लेके गए, वैसे भी किसी ना किसी स्टूडेंट ने आईफोन फेंक देना है. ये तो फिर भी जनरेशन थोड़ी सुधरी हुई है, आने वाली जनरेशन तो भाई तुम्हें ही फेंक देगी. तो अगर कोई टीचर या वॉना भी टीचर ये वीडियो देख रहा है भाई, 3510 वाला नोकिया लेना और वही लेके जाना, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं आईफोन ले जाने की, बाद में पछतावा होगा. अभी भी मैं उस मैम की सोचता हूँ ना भाई, बुरा नहीं लगता, मेरे को हंसी आती है. आई नो मैं बहुत मीन साउंड कर रहा हूँ, बट क्या करें भाई, हंसी आती है मुझे जिस तरीके से ऐसे बुलाती थी ना पूरा एटीट्यूड भाई. एक बार जिस दिन फ़ोन खोया था ना, उस दिन चेहरा देखने वाला था. सो आई गेस आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हम किसी और टॉपिक के साथ. अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो तुम खुद देख लो, करना होगा तो कर लेना, बाकी कोई सीन नहीं है. और अगर मैं रिस्पॉन्स देख लूँगा अगर अच्छी लगी हो, तो और हम ऐसी वीडियोज लेके आएंगे, राइट? तो या बाय बाय एंड टेक केयर.